बोट के सीईओ और को-फाउंडर अमन गुप्ता ने शार्क टैंक के एक एपिसोड में ये कहा था, किसी को घुसने नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम हैं। बोट आज इंडिया के सबसे बड़े वेरिएबल ब्रांड में से एक है और सिर्फ 5 सालों में अमन गुप्ता ने बोट को 1500 करोड़ रुपए का कंपनी बनाया है। तो आज के वीडियो में हमारा ज्ञान बोट के सक्सेस और अमन के लाइफ के अराउंड होने वाला है और एंड में ये भी जानेंगे कि इन्होंने कैसे अपने कंपटीशन को किल किया। उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दो। ओके चलिए फिर जानते हैं। सबसे पहले अमन का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। अमन का बर्थ और स्कूलिंग दिल्ली में हुई है। उन्होंने अपना 12th दिल्ली पब्लिक स्कूल से किया, उसके बाद दिल्ली से ही उन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। उनके बीकॉम करने का रीजन ये था कि उनके फैमिली में कई लोग सीए थे और अमन के फादर ने भी उन्हें सीए करने को कहा। उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस में सीए किया और एक बात, वो अपने बैच में सबसे यंगेस्ट सीए थे। बीच में कई जगह जॉब करने के बाद इन्होंने आईएसबी हैदराबाद से अपना एमबीए कंप्लीट किया। तो अब बोट की शुरुआत कब हुई? देखिए, कई लोगों को ये नहीं पता है कि बोट को डायरेक्टली लॉन्च नहीं किया गया था। 2014 में अमन ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बनाने का सोचा। तभी अमन ने इमेजिन मार्केटिंग इंडिया को बनाया, जो आज बोट की एक पेरेंट कंपनी है। लेकिन उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बहुत सारे फॉरेन कंपनीज लीड कर रहे थे और कई कंट्रीज को लगा के 200 से भी ज्यादा कंपनीज थे। और ये बात अमन अच्छे से जानते थे कि यार इतना आसान नहीं है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को ग्रो करना। सारे चीजों की जानकारी मिलने के बाद अमन ने फाइनली 2016 में बोट को लॉन्च किया अपने को-फाउंडर समीर मेहता के साथ। दोनों ने अपने जेब से 15-15 लाख रुपए लगाए और 30 लाख के कैपिटल से बोट को स्टार्ट किया गया। अब चलिए जानते हैं कि बोट ने क्या अलग किया। अमन ये अच्छे से जानते थे कि वो इतने बड़े कॉम्पिटेटिव मार्केट में घुस तो चुके हैं, पर अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें कुछ यूनिक करके दिखाना होगा। इसके लिए उन्होंने कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स यूज किया। नंबर 1, मेन फोकस ऑन यूथ। बोट का लगभग सारा प्रोडक्ट्स यूथ को नजर में रखते हुए बनाया जाता है। उनको कैसा कलर, स्टाइल और फैशनेबल वेयर पसंद है, उसी के अकॉर्डिंग बोट के प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। इसके लिए इन्होंने स्टार्टिंग में यूथ इंटर्न्स और एम्प्लॉइज को हायर किया, जिससे वो समझ गए कि यूथ किस तरह से सोचते हैं। नंबर 2, लाइफस्टाइल ब्रांड। अमन ब्रांड को ही प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। मतलब जब आपको टूथपेस्ट चाहिए होता है तब आप सीधे कोलगेट का नाम लेते हो, वैसे ही पानी मतलब बिस्लरी, चिप्स मतलब लेस, और अमन भी बोट को कुछ ऐसा ही बनाना चाहते थे। अमन को हिंदी मूवीज बहुत पसंद है और कई बार वो शार्क टैंक में भी मूवीज के डायलॉग को यूज करते हैं। मूवी देखिए 3 इडियट्स, इन्होंने वो जो कार्तिक आर्यन का मोनोलॉग था ना, जो प्यार का पंचनामा वैसे दिया है। मेरे को ना अंदाज अपना अपना बड़ी पसंद है, उसमें भी उसके मुर्गियों का फार्म हो, वो कहता है हम पता क्या करेंगे, हमारे मुर्गियों के फार्म हो, उसमें हजारों अंडे के लाखों आमलेट के साथ हमारे ब्रेड की भी फार्म होगा, मुर्गियों का राजा और ब्रेड का बादशाह। देखिए, इंडिया में मूवीज और क्रिकेट के सभी दीवाने हैं और कई कंपनीज इन दोनों के थ्रू अपने कस्टमर्स को टारगेट करती है और अमन ने भी इन्हें ही बोट का ब्रांड एम्बेसडर चुना। कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, गुरु रांधवा और ऐसे कई स्लैब्स को उन्होंने साइन कर लिया। 2016 में बोट के लॉन्च के बाद बहुत कुछ बदल रहा था। जियो भी मार्केट में आ चुकी थी। दिस मॉर्निंग आई स्टार्ट विद द न्यूएस्ट एंड द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द रिलायंस फैमिली, जियो। ये इंडिया का सबसे रिवोल्यूशनरी स्टेप था, जिससे इंडिया में बहुत बड़ा बदलाव आया। इसकी वजह से लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका था और लोग क्वालिटी कंटेंट बेस्ट क्वालिटी में सुनना चाहते थे। उस टाइम बॉस, JBL, एप्पल अपने ईयरफोन्स बहुत महंगे बेचते थे। स्कूल कैंडी, मीवी, बोल्ट नॉइस, ऐसे और भी कई कंपनीज अपने प्रोडक्ट बेच रहे थे। अब अमन ने देखा कि JBL और बोस के प्रोडक्ट इसलिए इतने महंगे हैं क्योंकि ये उनको टारगेट करके बनाया गया जो म्यूजिक को समझते हैं, मतलब पिच, ड्राइवर, बेस, साउंड का टोन सुनने में कैसा है, और ये सब डीजेस और साउंड ज्यादा समझते हैं। और अमन को यहाँ दिखता है एक मौका। अमन थोड़ी ना रुकने वाले थे, उन्होंने मेजोरिटी ऑडियंस को टारगेट करते हुए अच्छा टिकाव और जो यूथ को देखने में अच्छा लगे इस टाइप का प्रोडक्ट निकाल दिया और इसके बाद बोट कभी भी पीछे नहीं मुड़ी। इंडिया को लॉजिकल प्राइस में बेचना, खरीदना अच्छा लगता, तो हमने ये नहीं की बहुत सस्ता बेचा, बिकॉज बहुत सस्ता तो नैनो भी नहीं बिकी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। कर दिया, थैंक यू सो मच। ओके सो दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।